नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में प्रमुख वचन और नारे के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा वचन दिया गया और किस व्यक्ति के द्वारा कौन से नारे दिए गए जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दोस्तों, और पिछले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। करो या मरो या भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का ये नारा है। अब आगे देख सकते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज मतलब अगर इंडिया मर जाएगा तो कौन लिव करेगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह जवाहरलाल नेहरू का नारा है। आगे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आराम हराम है और पूर्ण स्वराज किसने कहा था? आराम हराम है और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसको दो बार तीन बार आप अपने से बोलिए दोस्तों या वीडियो पॉज करके बोलिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आराम हराम है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और जवाहरलाल नेहरू ने यह भी बोला था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, ये भी बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उन्हीं का नारा था। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हम लोग अक्सर ये इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बोलते रहते हैं, तो ये भगत सिंह ने बोला था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था दोस्तों, इनकी मौत फांसी देने से हुई थी, अंग्रेजों ने फांसी दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी बात हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, हमारे मन में हमारे दिमाग में बैठा हुआ स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो अब याद रखिए, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल ने बोला था। आगे देख सकते हैं स्क्रीन में, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बोलते हैं दोस्तों, और सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। और विजय बीस तिरंगा प्यारा किसने बोला था? विजय बीस तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने बोला था विजय बीस तिरंगा प्यारा? तो श्यामलाल गुप्त ने बोला था, तो विजय बीस तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त ने बोला था। आगे देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था? किसने बोला था कि साइमन कमीशन वापस जाओ? तो लाला लाजपत राय ने बोला था, और इसी की वजह से तो लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय का मौत हो गया था, और लाला लाजपत राय की मौत का बदला अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? ये गाना हम लोग गाते रहते हैं, गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। आगे देख सकते हैं, श्रमय जेते किसने बोला था? तो श्रमय जैसे किसने बोला नहीं, किसने बोली थी? तो श्रमय जेते श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोली थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने श्रमय जेते बोली थी। यहाँ पे आगे देख सकते हैं स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम किसने बोला था? हे राम महात्मा गांधी ने बोले थे, हे राम महात्मा गांधी ने बोले थे, ये उनका वचन था, हे राम महात्मा गांधी ने बोले थे। अब नेक्स्ट में देख सकते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही बोले थे। वंदे मातरम हमारा जो होता है राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, जना गना मना, अधिनायक जय है, ये सब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके रचयिता है, जनमन गण के रविन्द्रनाथ टैगोर होता है इसके रचयिता है, और ये जनगण मन 52 सेकंड तक गाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने कहा था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने कहा था। अब इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, हिंदू कहाँ हिंदी कहाँ बोला जाता है? भारत में ही बोला जाता है, तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र से याद रख सकते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान वाला आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके दो तीन बार बोल के भी देख सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, मतलब कोई भी अगर कोई भी बैंक का खाता अगर डूबता है बैंक में, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने बोला था कि यहाँ एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, महात्मा गांधी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है देश की पूजा ही राम की पूजा है, देश की पूजा ही राम की पूजा ही की जगह की लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मदन लाल धिंगरा ने बोला था देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल धिंगरा ने बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किसने बोला था, संपूर्ण क्रांति दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने बोला था, तो जयप्रकाश नारायण का नारा था कि संपूर्ण क्रांति चाहिए हमें। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, जय जगत का नारा किसने दिया था, तो विनोबा भावे ने दिया था, विनोबा भावे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जय जगत का नारा दिया था, और विनोबा भावे भारत रत्न पाने वाले भी व्यक्ति हैं, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वराज वेदों की ओर चलो किसने बोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोले थे कि स्वराज और वेदों की ओर चलो। दोस्तों इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।